रूप गोस्वामी ने रचा हुआ एक भजन हम लोग गाएंगे, ठीक है। राधे जय जय माधव कहिते, राधे जय जय माधव दईते, गोकुल तारुणी मंडल मोहिते, गोकुलतरुणी मंडल मोहिते, राधे जय जय माधव दईते, राधे जय जय माधव दईते, दामोदर रति वर्धन वेशे, हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे, दामोदर रति वर्धनावेशे, हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे, राधे जय जय माधव दईते, राधे जय जय माधव दईते, राधे जय जय माधव दईते, गोकुल तारुणी मंडल मोहिते, राधे जय जय माधव दईते, गोकुल तारुणी मंडल मोहिते, वृषभानुदधि नव शशि लेखे, ललिता सखी गण रमिता विशाखे, वृषभानुदाधि नव शशि लेखे, ललिता सखी गण रमिता विशाखे, राधे जय जय माधव दईते, गोकुल तारुणी मंडल मोहिते, राधे जय जय माधव दईते, राधे जय जय माधव दईते, राधे। ओ राधे करुणाम कुरु माई करुणा भरीते, सनक सनातन वर्णित चरिते, करुणां कुरु मयि करुणा भरीते, सनक सनातन वर्णित चरिते, राधे जय जय माधव दईते, गोकुल तरुणी मंडल मोहिते, राधे जय जय माधव दईते, गोकुल तारुणी मंडल मोहिते, राधे जय जय माधव दईते, राधे जय जय माधव दईते, राधे। ओ राधे हरे कृष्ण। श्री रूप गोस्वामी की जय। हरे कृष्ण, हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे, वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांद राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्रीअद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम कृष्ण। मैं सबको दिख रहा हूँ क्या अच्छे से? हाँ जी हाँ प्रभु जी दिख रहे हैं प्रभु जी यस प्रभु जी ठीक दिख रहा हूँ ना, तो ठीक है। एक मिनट है। हरे कृष्ण। नाना शास्त्र विचारणैक निपुनो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन मत तालिकौ वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ। वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ। तो हम लोग कल देख रहे थे आमुख, आमुख तक हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग इंट्रोडक्शन खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो इंट्रोडक्शन मतलब, वैसे तो मतलब बहुत इसके ऊपर बहुत लंबा चर्चा हो सकता है, बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन हम लोग जो है शॉर्ट में देखेंगे और फिर कल से पहला अध्याय शुरू करेंगे। कल से पहला अध्याय शुरू करेंगे। तो श्री रूप गोस्वामी क्या कर रहे हैं? सबसे पहले ये जो भूमिका है, ये भूमिका भी श्री रूप गोस्वामी ही लिख रहे हैं। और भूमिका में जो सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद ये अपनी ये ऑफरिंग कर रहे हैं, अपने जो मंगलाचरण गा रहे हैं। सबसे पहले जो एक से छह जो पैराग्राफ्स है, ये इसमें क्या कर रहे हैं प्रभुपाद? मंगलाचरण गा रहे हैं। एंड ही इज ऑफरिंग हम्बल प्रेयर्स एंड ओबेसेंसेस टू सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एंड हिज गुरु एंड ऑल द वैष्णवास बिफोर राइटिंग नेक्टर ऑफ डिवोशन फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ श्रील रूप गोस्वामी व्हेन ही रोट भक्ति रसामृत सिंधु। तो नेक्टर ऑफ डिवोशन स्टार्ट करने से पहले प्रभुपाद जो है वो सबको प्रणाम कर रहे हैं, जैसे रूप गोस्वामी ने भी अपने भक्ति रसामृत सिंधु इस ग्रंथ में सभी को प्रणाम किया था। सभी मतलब क्या कि
कृष्ण कृष्ण और कृष्ण के भक्त, कृष्ण का धाम, कृष्ण के सारे पैराफर्निलिया जितना भी है, तो उसको क्या कर, उसको क्या बोलते हैं, ये सारे के सारे कृष्ण है। इन सबको कोई भी, अगर हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं या फिर कोई भी काम शुरू करने से पहले हमको क्या करना चाहिए, हमें मंगलाचरण गाना ही चाहिए। मंगलाचरण पूरा पूरा याद है किसी को? ओम अज्ञानंति मिरंदस्य से लेकर के हाँ, तो ये जो है मंगलाचरण हमें याद कर लेना चाहिए। जिनका याद नहीं है वो याद कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें सारे आचार्यों की प्रेयर्स है। और अगर किसी को मंगलाचरण याद नहीं है तो कम से कम एक श्लोक तो उसे याद कर लेना चाहिए। वो श्लोक कौन सा है? गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। इस एक श्लोक में जो है वो ये शॉर्टकट है, मंगलाचरण का शॉर्टकट है। इस एक श्लोक में सभी की प्रार्थनाएं आ जाती है। तो ये एटलीस्ट याद कर लेना चाहिए, गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। और उसके बाद छठवे पैराग्राफ के बाद प्रभुपाद आगे में बता रहे हैं कि कंटेंट्स ऑफ भक्ति रसामृत सिंधु एंड एनोडी, जो आगे में क्या क्या चर्चा की जाने वाली है, ये भूमिका में प्रभुपाद बता रहे हैं। तो सातवें इसमें सातवें पैराग्राफ में प्रभुपाद बता रहे हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु ये चार भागों में विभाजित कर दिया गया है। जिस प्रकार सागर को कभी कभी चार भागों में विभाजित कर दिया जाता है, सागर के साथ चार विभाग कौन से होते हैं? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना। इसके हर भाग में विभिन्न अनुभाग है। मूल भक्ति रसामृत सिंधु में सागर की भांति पूर्व दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर चार भाग है। है ना, एक क्लॉकवाइज लिया है, पूर्व दक्षिण फिर पश्चिम और फिर उत्तर, ऐसे क्लॉकवाइज लिया है प्रभुपाद ने। जिस प्रकार सागर में विभिन्न लहरें होती हैं, विभिन्न लहरें पश्चिम दक्षिण पूर्व या उत्तर दिशाओं में सदैव उठती रहती हैं, उसी प्रकार भक्ति रसामृत सिंधु में भी अनेक लहरें हैं। प्रथम भाग में चार लहरें हैं, जिनमें से पहली लहर भक्ति के सामान्य, मतलब चार चार लहरें हैं प्रथम भाग में, पूर्व भाग में। और वो चार लहरें कौन सी हैं, मतलब चर्चा की गई है कि भक्ति रसामृत सिंधु को निश्चित सागर से तुलना की गई है। और सागर के चार भाग है, पूर्व दक्षिण पश्चिम और उत्तर। और उसका जो पहला भाग है, पूर्व भाग जो है, तो उसमें चार प्रकार की लहरें उमड़ रही हैं। और ये चार प्रकार की जो लहरें हैं वो कौन सी हैं? तो पहला चर्चा की गई है सामान्य भक्ति, दूसरी चर्चा की है साधना भक्ति, तीसरी चर्चा की है भाव भक्ति, और चौथी चर्चा की है प्रेम भक्ति। ठीक है, तो ये जो है ये चार चार चर्चाएं की है, है ना। तो सामान्य भक्ति मतलब हम लोग आगे आगे देखेंगे कि सामान्य भक्ति, साधना भक्ति क्या है, भाव भक्ति क्या है, प्रेम भक्ति क्या है। तो और आठ से लेकर के 21 जो पैराग्राफ है भूमिका का, इसमें जो है अन्याभिलाषिता शून्य, शुद्ध भक्ति के बारे में प्रभुपाद सारांश रूप में बताया। क्योंकि अभी हम लोग जो देखिए, एक होती है अशुद्ध भक्ति, दूसरी मतलब अगर यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि शुद्ध भक्ति करनी है तो अशुद्ध भी भक्ति होती है क्या? तो हाँ, अशुद्ध भी भक्ति होती है,
तो अशुद्ध भक्ति क्या होती है? जो भक्ति मिक्स की हुई हो। हम लोग जब मार्केट में जाते हैं तब 24 कैरेट सोना, सोने के तलाश में हम लोग होते हैं, राइट? हम लोगों को 24 कैरेट सोना चाहिए होता है, और ये जो 24 कैरेट सोना में जब मतलब मिलावट आ जाती है तो उसका दाम वगैरह गिर जाता है, वो क्वालिटी नहीं होता है। तो क्वालिटी भक्ति, अभी हम लोग क्या है ना, जैसे अलग अलग प्रकार की भक्ति होती है, कर्म कर्म मिश्र भक्ति होती है, ज्ञान मिश्र भक्ति होती है ना? तो कर और भी कुछ अलग अलग प्रकार की मिक्सचर्स वाली भक्ति होती है। लेकिन प्रभुपाद और हमारे सांप्रदाय के जो आचार्य हैं, ये किस भक्ति का प्रचार कर रहे हैं? तो शुद्ध भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में शुद्ध माल कहीं पर मिल नहीं रहा है। है ना? इसलिए जो प्रभुपाद जी की बहुत बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, कि ये क्या कर रहे हैं कि शुद्ध भक्ति का हमें दान दे रहे हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि यह भक्ति का पूर्ववर्ती आचार्यों के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए भक्ति के प्रामाणिक वितरण को सार रूप में श्रील रूप गोस्वामी के इस कथन द्वारा दिया जा सकता है। प्रथम कोटि की भक्ति, मतलब सबसे टॉप मोस्ट भक्ति, कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से लगे रहकर भगवान की अनुकूल सेवा करने की प्रवृत्ति है। कैसे सेवा? तो अनुकूल सेवा। भाव यह है कि यदि कोई कृष्ण भावनामृत में रहते हुए भी अनुकूल सेवा में प्रवृत्त न हो सके तो उसे शुद्ध भक्ति नहीं माना जा सकता। शुद्ध भक्ति को सभी प्रकार के भौतिक लाभों या इंद्रिय तृप्ति की आकांक्षाओं से मुक्त रहना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति की आकांक्षाओं से मुक्त, जब कभी हमारे जैसे भक्त जब मतलब मंदिर में जाते हैं, भगवान के सामने जब जाते हैं, तब तब होता क्या है, हम लोग लिस्ट लेके जाते हैं कि भगवान देखो ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, है ना? भगवान को जो भगवान नहीं मानते हम लोग, अपना ऑर्डर कैरियर मानते हैं, कैरी करो वैसा वाला, उनको इंस्ट्रूमेंट मानते हैं, लेकिन वो शुद्ध भक्ति नहीं है। भगवान बोलते हैं कि कृष्ण बोले मोर भजे मांगे विषय सुख, सही मूढ़, ऐसा कुछ मतलब ये चैतन्य चरितमृत में वो श्लोक है, याद है किसी को? कि कृष्ण बोलते हैं कि मुझे छोड़कर विषय सुख मांगते, मतलब मुझे छोड़कर नहीं, मुझे मेरी भक्ति करके विषय सुख मांगता है ना। बोले कि ये ही बड़ा मूर्ख, बोले ये जो बहुत बड़ा मूर्ख मूर्ख मेरा भक्त होता है, लेकिन मेरा भक्त तो वो मूर्ख है, मैं तो मूर्ख नहीं ना हूं। मैं इस ऐसे विष का पान क्यों कराऊं उसको, विषय के विष का पान क्यों कराऊं? देखिए विषयों को आप जानते हैं ना, पांच विषय कौन से हैं, हमने आज चर्चा की, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और ये पांच इंद्रियां इन पांचों विषयों के पीछे हमेशा दौड़ती रहती है और कभी संतुष्ट नहीं करते हैं। ये जो विषय है ये विष के समान हमेशा मतलब विष के समान, विष तो कम से कम मार डालता है, लेकिन ये जो विषयों का जो विष है ये क्या करता है, ना जीवित रहने देता है ना मारता है ठीक से, हाँ ये तड़पाता रहता है, तड़पाता रहता है। इसलिए ये बहुत भयानक विष है विषयों का। इन विषयों को विष से कंपेयर किया गया है। तो कृष्ण बोलते हैं कि मेरा जो ये मूर्ख भक्त है वो तो विषय का सुख मांग रहा है, लेकिन मैं तो बुद्धिमान हूं, मैं क्या करता हूं, उसके हृदय से विषयों की कामना को नष्ट कर देता हूं और मेरे भक्ति रूपी अमृत को मैं उसे प्रदान करता हूं। ये कृष्ण बोलते हैं, ठीक है? तो आगे में प्रपोर्ट लंबा है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सारांश रूप में एक 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 जो है वो ये डिस्कस करेंगे, और फिर समय बचेगा तो हम लोग पढ़ते जाएंगे आगे। तो
ठीक है। तो देखिए क्या है ना कि 12 प्रकार के रस होते हैं जिनमें जिनमें जो भक्त है वो भक्ति करता है। और ये 12 प्रकार के रस, रस मतलब क्या है, जैसे हमने कल चर्चा की, रस मतलब कुछ मेलो, या फिर रस मतलब कुछ ऐसा इंटरेस्ट या फिर टेस्ट जो वो कार्य फिर से करने के लिए हमें खींचे आगे। और ऐसे जब भक्त जब कृष्ण से संबंध जोड़ने का प्रयास करता है, तो ये संबंध जोड़ने का जब प्रयास करता है तो कौन सा संबंध जोड़ सकता है, तो पांच प्रकार के संबंध होते हैं। पहला है शांत रस, दूसरा है दास्य रस, तीसरा है साख्य रस, चौथा है वात्सल्य रस और पांचवा है माधुर्य रस। तो ये पांच मुख्य रस है और जो सात है वो गौण रस है। गौण रस मतलब क्या कि इन पांचों के अंडर में ये सात आते हैं, है ना। और वो कौन सा है, तो पहला है हास्य रस, दूसरा है कारुण्य, तीसरा है मतलब भयावह, ऐसे भय वाला रस है ना, इधर में इंग्लिश में दिया है मुझे। और फिर नाइन्थ है वीर्य रस, दसवा है घासलीनेस, मतलब घासलीनेस मतलब विभत्स रस, है ना। ग्यारहवा है वंडर, वंडर मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो आश्चर्यचकित कराने वाला वो रस है। और बारहवा है डिवास्टेशन, डिवास्टेशन मतलब शायद विभत्स है। कोई बता सकता है इन इन पांचों रसों को मतलब हिंदी में, रौद्र रस, कोई सातों रसों को बता सकता है हिंदी में? एक बार इंग्लिश में पढ़िए देखिए, पांच प्रकार के तो मुख्य रस है, जो शांत है, फिर दास्य है, फिर साक्य है, फिर वात्सल्य है, फिर माधुर्य है। और उसके बाद जो है वो कॉमेडी, कंपैशन, फियर, चिवलरी, घासलीनेस, वंडर एंड डिवास्टेशन। प्रभु जी, हाँ, हास्य, करुण, भयानक, वीर, रौद्र, अद्भुत और विभत्स, ये साथ। हाँ, हास्य करुणामय, भयानक, भयावह और वीर, हाँ, वीर्य रस, रौद्र और रौद्र, हाँ, गास्त्रीनस मतलब रौद्र, रौद्र अद्भुत और विभत्स। तो ये जो है ये 12 प्रकार के रस है, है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे आगे, मतलब पढ़ते ही जाएंगे, ही हिंदी में मेरे पास है और जो नोट्स है वो इंग्लिश में। तो ये भक्ति एक प्रकार का अनुशीलन है। तो भक्ति कैसे होनी चाहिए, अनुकूलता से होनी चाहिए। अनुकूल मतलब, अनुकूल भक्ति मतलब क्या कि कृष्ण के हिसाब से। अब देखिए क्या है ना, यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु सबसे टॉप मोस्ट ये देने के लिए आए हैं, सबसे टॉप मोस्ट रस देने के लिए आए हैं भक्ति। और सबसे टॉप मोस्ट भक्ति किसने की है, भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है बताइए तो? राधा रानी, श्रीमती राधा रानी, ये सबसे टॉप मोस्ट भक्त है, राइट। तो राधा रानी के मूड में, जो श्रृंगार रस के मूड में भक्ति प्रदान करने के लिए आए हमें चैतन्य महाप्रभु, है ना। तो इसलिए क्या है कि अनुकूल, तो इसलिए हम लोग जो है मतलब ये जो लड़का और लड़की का जो है ना, बार बार एग्जांपल इस्तेमाल किया जाता है,
तो देखिए, जब कोई लड़का जो है ना, लड़की को अगर मतलब आई लव यू बोलता है या फिर किसी को प्रपोज करने के लिए जाता है, अब लड़के को जो है वो पसंद है, मतलब लड़की को पसंद है गुलाब का फूल और लड़के को पसंद है गेंदे का फूल। अब ये जो है मतलब लड़का जो है वो बहुत ही प्रेम से गेंदे का फूल तोड़ता है और लड़की के सामने जाता है। बोले कि अरे मैं तुम्हारे लिए एक फूल लाया हूं, तो लड़की उसको स्वीकार करेगी कि नहीं? स्वीकार तो कर लेगी, है ना, स्वीकार तो कर लेगी, क्योंकि भैया इतना प्रेम से लाया, उसका उत्साह नहीं डाउन करना चाहिए। लेकिन क्या उतना उत्साह से वो स्वीकार करेगी जितना कि वो गुलाब का फूल उसको देता? नहीं। तो तो क्या है ना, एक होती है प्रतिकूल भक्ति, दूसरी होती है अनुकूल भक्ति। अनुकूल भक्ति मतलब कृष्ण जैसे चाहते हैं वैसे मैं भक्ति करूं, और दूसरा होते हैं मतलब मतलब अनुकूल जो भक्ति नहीं है ऐसी भक्ति। एक मिनट। अनुकूल जो भक्ति नहीं है ऐसी वाली भक्ति। अब मतलब क्या है कि अगर देखिए, अगर देखा जाए ना, तो कंस और रावण, रावण तो 14 साल भगवान राम का स्मरण कर रहा था, तो स्मरणम तो यार मतलब भक्ति में नवविधा भक्ति में से एक है, तो क्या वो भक्ति कर रहा था? नहीं, वो भक्ति नहीं कर रहा था, वो अनुकूल भक्ति नहीं थी, है ना। कृष्ण जैसे चाहते हैं वैसे भक्ति करना, ये अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, ये उत्तम भक्ति का कही जाती है ना। तो ऐसी वाली जो भक्ति है उस भक्ति को वैल्यू है। शुद्ध भक्त ऐसे सकाम कर्मों तथा दार्शनिक चिंतनों से सर्वथा मुक्त, शुद्ध भक्ति ऐसे दार्शनिक चिंतकों और सकाम कर्मों से सर्वथा मुक्त होनी चाहिए। मनुष्य को रागानुगा भक्ति द्वारा किसी आचार्य से कृष्ण भावनामृत या शुद्ध भक्ति सीखनी चाहिए। ज्ञान कर्मा सर्वोपाधिर्विनिर्मुक्तम, कौन सा वो श्लोक है? ज्ञान कर, हाँ, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। अन्याभिलाषिता शून्यम, कैसे उत्तम भक्ति किसको बोला जाता है? अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य जो अभिलाषाएं हैं उससे शून्य, कि मुझे यहां पर भी जाना है, मुझे वहां पर, मुझे ये भी करना है वो भी करना है। जैसे हमने आज चर्चा की कि नारद मुनि ने लिफ्ट बनवाई थी भगवान से, है ना, और बाकी सारे जीव जो है यहां वहां इधर ये भी करना है वो भी करना है, तो अगर इधर उधर का अगर चीज है माइंड में, तो फिर अन्याभिलाषिता शून्यम वाली भक्ति नहीं है वो। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, शुद्ध भक्ति की व्याख्या क्या है? जो ज्ञान से और कर्म से सर्वथा शून्य है। ज्ञान से शून्य मतलब, बोले प्रभु जी कर्म से शून्य, ज्ञान से शून्य मतलब क्या होता है इसका? हमने कुछ करना ही नहीं है, कर्म शून्य मतलब कुछ करना ही नहीं है, और ज्ञान से शून्य मतलब कुछ सोचना ही नहीं है क्या? नहीं। कर्म से शून्य मतलब क्या? एक होती है कर्म मिश्र भक्ति, दूसरी होती है ज्ञान मिश्र भक्ति, तीसरी होती है शुद्ध भक्ति। कर्म मिश्र भक्ति मतलब मैं भगवान के भक्ति में तो आ रहा हूं, भक्तों के संग में तो आ रहा हूं, मैं माला जप तो कर रहा हूं, लेकिन कुछ हृदय में इच्छा लेकर के, जैसे माला जप कर रहा हूं, कृष्णा मुझे आपकी भक्ति भी चाहिए, लेकिन क्या है ना, थोड़ा सा मैं सेटल हो जाऊं, थोड़ा सा सरकारी जॉब या फिर मतलब ऐसा कुछ नौकरी वगैरह मिल जाए ना, तो मैं और अच्छे से भक्ति कर सकता हूँ, है ना। कृष्ण मैं तो मतलब मैं जप वगैरह ये सब तो कर रहा हूँ, लेकिन लेकिन क्या है ना, मेरा बिजनेस थोड़ा सेटअप हो जाए, घर में जो है वो बहन की शादी वगैरह हो जाए, और फिर मैं बहुत अच्छे से एकदम जबरदस्त मैं भक्ति भक्ति कर सकता हूँ। तो ये हो गया कर्म मिश्र भक्ति। बल्कि जो शुद्ध भक्ति में और कर्म मिश्र भक्ति में क्या फर्क है? तो शुद्ध भक्ति मतलब कृष्णा जैसे रखे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका नाम जप जो है वो कुछ सेटल होने के लिए या फिर मतलब ये सब करने के लिए नहीं कर रहा हूं। तो ये होती है शुद्ध भक्ति। तो कर्म मिश्र भक्ति मतलब
कुछ इच्छाएं रख करके, और दूसरी होती है ज्ञान मिश्र भक्ति। ज्ञान मिश्र भक्ति मतलब क्या होता है, तो जिसमें मुक्ति की इच्छा हो। जब हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में नए नए आते हैं तो हमको प्रलोभन दिया जाता है कि जन्म मृत्यु से छूट जाएंगे, कितना सारा दुख है, दुख से मुक्त हो जाएंगे। तो दुख से मुक्त होना, या फिर और दुख से मुक्त कब हो जाएंगे, जब भौतिक इच्छाएं जब नष्ट हो जाएंगी और जो हृदय की जो अनर्थ है वो कम हो जाएंगे। तो हृदय के अनर्थ कम करने के लिए, क्रोध कम करने के लिए भक्ति करना, काम वासना कम करने के लिए भक्ति करना, लोभ कम करने के लिए भक्ति करना, मन को नियंत्रित करने के लिए भक्ति करना, डिप्रेशन से मुक्त होने के लिए भक्ति करना, तो ये है ज्ञान मिश्र भक्ति। ठीक है, अरे ये तो आएंगे ही, ये जो है ये तो बाय प्रोडक्ट्स है। जैसे ऊपर में जो है वो हीरे का सिंहासन है और पूरे पूरे पृथ्वी के एक छत्र राजा का ऊपर में हीरे का सिंहासन है, और चांदी की मतलब जो सीढ़ियां हैं, एक सीढ़ी चांदी की बनी हुई है, एक सीढ़ी सोने की बनी हुई है, एक सीढ़ी जो है वो अलग अलग जो है वो खाद्य पदार्थों की बनी हुई है, तो मतलब बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन की सीढ़ी वगैरह बनी हुई है। तो वो जो जब आप सिंहासन की आशा करेंगे तो ये सीढ़ियां तो अपने आप मिल जाएगी, लेकिन सीढ़ियों के लिए सिंहासन का मतलब वो सोना, सोने की सीढ़ी प्राप्त करने, सोना प्राप्त करने के लिए वो सीढ़ी चढ़ना, ये तो सिंहासन का अपमान है। तो इसलिए इसलिए क्या होता है कि ज्ञान मिश्र भक्ति मतलब क्या कि डिप्रेशन से और ये मतलब ये सारी चीजों से मुक्त होने के लिए भक्ति करना, या फिर मुक्ति भी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति करना। तो भक्ति मतलब क्या, प्रेममय सेवा कि भगवान। इसलिए महाराज कुलशेखर जो है वो अपनी प्रार्थनाओं में बहुत सुंदर बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि मैं आपकी भक्ति क्यों कर रहा हूं कृष्ण, ना हम वंदे तव चरणयो द्वंद्व मद्वंद्व हेतो कुंभी पापकम गुरुमपि हरे नारकम नापने तुम रम्या रामा मृदु तनुलताम नंदने नापिरंतुम भावे भावे हृदय भवने भावये यं भवंतम। नाहम वंदे तव चरणयोर, मैं आपके चरणों की वंदना हे कृष्ण इसलिए नहीं कर रहा हूं, द्वंद्वम अद्वंद्व हेतो हो, द्वंद्व से अद्वंद्व हो जाओ। द्वंद्वमय जगत, ये भौतिक जगत द्वंद्वमय जगत है, और इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने के लिए मैं आपके चरणों की भक्ति नहीं कर रहा हूं। द्वंद्वम अद्वंद्व हेतो कुंभी पाकम गुरुमपि हरे नारकम नापने तुम, ना मैं नरकों से बचने के लिए मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं। रम्या रामा मृदु तनुलताम नंदने नापिरंतुम, ना मैं जो नंदन कानन वन स्वर्ग लोक में, नंदन कानन वन में जाकर के, वो बहुत सुंदर वन है स्वर्ग लोक में एक, उसका नाम है नंदन कानन वन। वहां पर जब जीव जाते हैं तब वहां पर अप्सराओं के साथ वहां पर विहार करने लगते हैं, घूमते हैं अप्सराओं के साथ, तो वो प्राप्त करने के लिए भी नहीं, मतलब यहाँ पर कर्म को भी ठुकरा दिया। भावे भावे हृदय भवने भावये यं भवंतम, कि मेरे हृदय में आप विराजमान हो जाए केवल इसलिए मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं। नास्ता धर्मे न वसुने चाहिए नैव कामोपभोगे, नास्ता धर्मे, ये हमारा धर्म है, मतलब अरे हम नहीं कृष्ण राम की भक्ति करेंगे तो क्या मुसलमान लोग करेंगे, ये तो हमारा हिंदू धर्म है जी। या तो हम लोग, हम ब्राह्मण है, ब्राह्मण का धर्म है कृष्ण की भक्ति का, तो धर्म है इसलिए भी मैं नहीं कर रहा हूं। नास्ता धर्मे न वसुने चाहिए नैव कामोपभोगे, कि मैं कामनाओं मतलब कामनाओं की पूर्ति करने के लिए, भोग प्राप्त करने के लिए वो भी नहीं कर रहा हूं, इसलिए भी नहीं कर रहा हूं आपकी भक्ति। कामोपभोगे यद यद भव्यम भवतु भगवन पूर्व कर्मानुरूपम, हे भगवान मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि ये जो सुख
और दुख को भी चेंज करने के लिए आपकी भक्ति में नहीं कर रहा हूं, ये जैसे मेरे मैंने कर्म किए हैं वैसे आने दो। मैं आपको ये नहीं प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरे कर्मों में आप जो है वो कुछ मतलब हस्तक्षेप करें, नहीं, ये जैसे पूर्व कर्मानुरूपम वैसे ही आने दीजिए। यद्यद्भव्यं भवतु भगवन् यद्यद्भव्यं भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपं ये तत् प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मांतरेपि। बस एक ही प्रार्थना है मेरी, जन्म जन्मांतर एक ही प्रार्थना है। क्या है? जन्म जन्मांतरेपि त्वत्पादाम्भोरुहयुगगतां निश्चला भक्तिरस्तु, कि आपके चरणों में जन्म जन्मांतर तक निश्चल भक्ति बस बनी रहे, यही मेरी कामना। इसको बोलते शुद्ध भक्ति, है ना। तो ये शुद्ध भक्ति ऐसे सकाम कर्मों और दार्शनिक चिंतनों से सर्वथा मुक्त होनी चाहिए। मैं केवल किस लिए कर रहा हूं भगवान? मैं बस आपके लिए, बस आपसे प्रेम करता हूं इसलिए मैं भक्ति कर रहा हूं, मैं और कुछ नहीं चाहता हूं। बोले जब किस लिए कर रहे हैं? बोले नहीं, बस आपकी स्तुति करने के लिए। मेरी स्तुति क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपकी स्तुति करना, क्योंकि आपको संतुष्ट करने के लिए। अच्छा, मुझे क्यों संतुष्ट कर रहे हो? क्योंकि आपको संतुष्ट करने से मैं संतुष्ट होता हूं। बोले अच्छा, बोले और दूसरा कोई मतलब और कुछ तो मांगना होगा? बोले नहीं, बस आप सुखी है इसलिए मैं सुखी हूं, और मुझे जब सुख मिल ही जाएगा बैठे बैठे तो फिर मतलब और मैं क्यों क्यों यहां वहां मतलब दौड़ूंगा, या फिर मतलब यहां वहां की चीजें क्यों मांगूंगा? क्योंकि सुख जो है ये आत्मा का मैटर है, शरीर का और बाह्य वस्तुओं का तो मैटर है ही नहीं, है ना। बोले कि सुखी वो राजा ने भेजा था ना, बोले सुखी व्यक्ति की कमीज लेके आओ, तो ढूंढ ढूंढ के थक गए सब, मतलब किसी ना सबको जो है किसी ने दुख दुख तो था ही, तो एक जो है वो पागल जैसा कोई एक बैठा था लेकिन परमहंस था, है ना। तो उसको जाके पूछा, बोले भाई कैसे हो भाई? बोले सुखी हूं। बोले क्या, तुम सुखी हो? बोले हाँ, लेकिन उसने कोई भी कपड़ा वपड़ा नहीं पहना था। बोले तुम्हारी कमीज कहाँ है? बोले तुम्हारा कपड़ा कहाँ है? बोले कि नहीं, मेरे पास कपड़ा नहीं है। बोले तुम्हारे पास कपड़ा नहीं है तो तुम सुखी कैसे हो? बोले क्योंकि मेरा जो सुख है वो मेरे कपड़े में नहीं है। बोले कपड़े में मेरा सुख नहीं है, इसमें थोड़ी ना सुखी, ये तो जड़ पदार्थ है, इसमें फीलिंग्स थोड़ी ना है, ना पैसे में जो है वो फीलिंग्स है। जो चेतन जो आत्मा है उसमें फीलिंग्स है, और परमात्मा है उसमें फीलिंग्स है, तो उससे मैं सुख प्राप्त करूंगा। तो भगवान मैं आपसे क्या मांगू? मुक्ति। बोले मुक्ति में भी मतलब मेरा सुख नहीं है, केवल और केवल आपको संतुष्ट करने में ही मेरा सुख है, इसलिए मैं नाम जप कर रहा हूं। मैं कुछ भी अगर भक्ति नव विधा भक्ति भी कर रहा हूं तो आपको संतुष्ट करने के लिए। तो यह भक्ति एक प्रकार का अनुशीलन है। अनुशीलन मतलब कुछ कुछ करना। यह उन लोगों के लिए जो निष्क्रिय रहना चाहते हैं या मुख ध्यान में अपना समय बिताना चाहते हैं। मात्र निष्क्रियता नहीं है, है ना। जो मायावादी लोग क्या करते हैं ना, अपने आप को आत्मा समझते हैं, बोले कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं भौतिक संसार से नहीं हूं, मैं भौतिक संसार के बाहर वाला हूं। लेकिन वो यही नहीं जान पाते हैं, अरे बाहर में भौतिक संसार के बाहर वाला मतलब कहीं का तो होगा भाई। नहीं, वो लोग केवल बोलते हैं भौतिक संसार के बाहर का हूं, तो कहां का है? नहीं, बाहर का हूं। अरे तो ठीक है, बाहर क्या है? बोले कुछ नहीं है। तो इसलिए वो लोग तो इनके उनका मानना ये होता है कि कुछ नहीं है भौतिक संसार के बाहर में, निराकार निराकार निराकार। वो ये लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि एक एक, एक संसार है, आध्यात्मिक संसार है, जिसका जिसकी परछाई ये भौतिक संसार है, है ना। और इसलिए वो लोग समझते हैं कि ऊपर में कुछ भी नहीं है, तो निराकार में अगर विलीन होना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो यहीं पर निराकार की प्रैक्टिस करनी। देखिए, हमको
भगवान के धाम में जाना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, भगवान के धाम में जाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, भगवान की सेवा। जिसको निराकार में विलीन होना है, कुछ नहीं करना है वहां पर, वो यहां पर रह के भी अपने आप को केवल आत्मा समझते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। तो आपने आपको आत्मा समझ करके कुछ भी नहीं करना, ये होता है मायावाद। और अपने आप को आत्मा समझ करके भगवान का, भगवान की सेवा करना, ये होता है वैष्णविज्म। ठीक है, तो जो लोग भक्ति करना चाहते हैं उनके लिए अनेक विधियां हैं, लेकिन कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन इससे पृथक है, इनसे पृथक है। इस प्रसंग में श्रील रूप गोस्वामी ने अनुशीलन शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए अनुशीलन। जो ही हम अनुशीलन कहते हैं तो इससे हमारा तात्पर्य स्फूर्ति या क्रियाशीलता होता है, कुछ करना। ऐसा नहीं कि मतलब केवल बैठे रहना एकदम ध्यान, इसलिए लोग जो है मौन धारण करते हैं, मौनी बाबा बन जाते हैं। बोले हमारे बाबा जी ने जो है वो 12 साल से एक वर्ड नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला है। अच्छा, बाप रे बाप, क्या बाबा जी हैं। और क्या करते हैं, स्लेट के ऊपर लिख लिख के गालियां देते हैं। बोले क्या, अरे बोले अरे मूर्ख, पानी चाहिए पानी। स्लेट दिखा देते हैं। तो मौन तो मन का होता है ना, केवल मुंह बंद करके मौन थोड़ी ना किया जाता है। तो जब तुम्हारी बोलने की प्रवृत्ति इस्तेमाल होनी है तो क्यों ना तुम हरि का नाम गाओ, क्यों ना तुम भगवान के नाम का प्रचार करो। तो अनुशीलन मतलब क्रियाशीलता होती है। स्फूर्ति के बिना मात्र भावना से कुछ काम नहीं होता। समस्त कार्यों को दो श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है। कौन सी, प्रथम किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, तथा दूसरी प्रतिकूल परिस्थिति से बचने के लिए। है ना, काम किस लिए करना है, कुछ प्राप्त करने के लिए, और दूसरा किसी प्रतिकूल परिस्थिति से बचने के लिए। यही भगवान दो वचन दे रहे कि नहीं भगवद गीता में, कि अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते योग क्षेमं वहाम्यहम्। अर्जुन, मेरी जो अनन्य भक्ति करता है उसका दुनिया में दो ही टेंशन होते हैं, जो मेरे पास नहीं है वो कैसे आएगा, और जो मेरे पास है वो चला तो नहीं जाएगा। तो भगवान यहां पर गारंटी ले रहे हैं, बोले कि अर्जुन जो तुम्हारे पास नहीं है उसका मैं खुद भरण पोषण करूंगा, और जो तुम्हारे पास है उसका मैं खुद रक्षण करूंगा। तो केवल भगवान का शरणागत हो करके ये दोनों चीजें जो मतलब फ्री में मिल जा रही है ना। तो बुद्धिमान व्यक्ति शरणागत हो जाता है। संस्कृत में इन्हें प्रवृत्ति तथा निवृत्ति कहा जाता है। निवृत्ति मतलब नकारात्मक कर्म के, निवृत्ति मतलब नकारात्मक कर्म के अनेक उदाहरण हैं। यथा बीमार व्यक्ति को सतर्क रहना पड़ता है और विषम रोग से बचने के लिए दवा लेनी पड़ती है। प्रवृत्ति और निवृत्ति, जो गृहस्थ है वो प्रवृत्ति मार्ग, प्रवृत्त मतलब क्या कि लगने वाला मार्ग, निवृत्त मतलब क्या कि हटने वाला मार्ग। जो सन्यास मार्ग है, जो ब्रह्मचारी का मार्ग, वो निवृत्ति मार्ग है। जो गृहस्थ है ना, जो कर्म कांड में वगैरह फंसे हुए हैं, या फिर मतलब जो जो कर्म करने में लग जाते हैं वो क्या है, प्रवृत्ति मार्ग। जो लोग आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन करते हैं और भक्ति करते हैं वे सदैव कर्म में लगे रहते हैं। ऐसे कर्म को शरीर के द्वारा या मन से किया जा सकता है। सोचना, अनुभव करना तथा इच्छा करना, ये मन के कार्य हैं। और जब हम कुछ करते हैं तो कर्म की अभिव्यक्ति स्थूल इंद्रियों द्वारा होती है। देखिए होता क्या है ना, वेदों में
दो पार्ट्स है, एक है कर्मकांड, दूसरा है ज्ञानकांड। एक प्रवृत्ति मार्ग के लिए कर्मकांड, दूसरा निवृत्ति मार्ग के लिए ज्ञानकांड। ज्ञानकांडों में उपनिषद आते हैं और कर्मकांडों में जो है वो ब्राह्मण, संहिता इत्यादि आते हैं। और इन दोनों में जो है ना, गृहस्थों में और ब्रह्मचारियों में पहले से ही बहुत सॉरी गृहस्थ और सन्यासियों में पहले से ही मतलब बहुत शास्त्रार्थ और फाइट वगैरह होते आया है। पहले ही मंडन मिश्र से जो है वो शंकराचार्य ने फाइट किया था, है ना, फाइट मतलब शास्त्रार्थ इत्यादि किया था। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति, ये निवृत्ति मार्ग वाले बोलते हैं, सन्यासी लोग बोलते हैं कि देख गृहस्थ लोग एकदम मतलब फंसे हुए रहते हैं, कुछ मतलब गृहस्थ मार्ग मतलब फंसने वाला मार्ग है ना। और गृहस्थ लोग बोलते रहते हैं कि नहीं, तुमको अगर बाहर भी निकलना है संसार के, तो संसार, इस संसार में क्या है ये जब तक टेस्ट नहीं करोगे तब तक संसार कितना बुरा ये तुमको नहीं पता चलेगा, और तब तक तुम्हारा संन्यास भी सफल नहीं होगा। ये जो है वो प्रवृत्ति मार्ग वाले बोलते हैं। दोनों एक ही पॉइंट पर है कि जब तक इच्छाएं मिटेंगी नहीं है, फिर जब तक जो है वो संसार खट्टा नहीं लगने लगेगा, तब तक जो है वो संसार से बाहर नहीं निकल सकते हैं, है ना। लेकिन गृहस्थ लोग बोलते हैं कि नहीं, पहले खट्टाई को चखो फिर खट्टा लगने लगेगा। और जो सन्यासी लोग बोलते हैं कि निवृत्ति मार्ग वाले बोलते हैं कि यार नहीं, पहले यार सुन के ही समझ सकते हो तो काहे लोग उसमें जाना है। जो बुड़बक लोग हैं वो उसमें चले जाते हैं। तो इसलिए दोनों में जो है मतलब बहुत एकदम फाइटम फाइटी होती है। लेकिन जो भक्ति मार्ग है, ये भक्ति मार्ग कैसा है कि कर्म करते हुए भी निवृत्ति मार्ग का अनुशीलन मतलब किया जाता है। कर्म किससे किया जाता है? जब मन इच्छा करता है ना, थिंकिंग फीलिंग एंड विलिंग करता है, पहले थिंक करता है फिर उसको फील करता है, पहले गुलाब जामुन के बारे में सोचता है फिर गुलाब जामुन को फील करता है अपने जिह्वा के ऊपर, ओ क्या गुलाब जामुन था जब मैंने खाया था, और फिर विलिंग मतलब फिर इच्छा करता है कि नहीं और एक बार चाहिए मुझे, है ना। और इसके बाद जो है फिर इंद्रियों के ऊपर रखा जाता है वो गुलाब जामुन, जिह्वा के ऊपर रखा जाता है, और फिर उसका जो रस है वो पूरे मुंह में एकदम मतलब घुल जाता है और फिर ओम ओम करके एकदम खाने लगता है। तो इस प्रकार हमें अपने मानसिक कार्यों में सदा कृष्ण का चिंतन करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन जब वही गुलाब जामुन वो जब अपने लिए नहीं तो कृष्ण के लिए बना करके खिलाता है, कृष्ण को खिलाता है, भोग दिखाता है, तब वो कर्म तो कर रहा है लेकिन उसके फल नहीं तैयार हो रहे, क्योंकि वो अपने लिए नहीं कर रहा है। फल किस कर्म के तैयार होते हैं? जो कर्म अपने लिए किया जाता है। लेकिन जो कर्म मैं अधिकारी के लिए कर रहा हूं, एक अधिकारी व्यक्ति के लिए कर रहा हूं, तो उस कर्म का फल मुझे नहीं भोगना पड़ता है। जब मैं कृष्ण के लिए कर्म करूंगा तो उसका फल जो है मैंने कृष्ण को अर्पण कर दिया है। और इसलिए ये प्रवृत्ति मार्ग भी है और निवृत्ति मार्ग भी है। प्रवृत्त होके निवृत्त हो जाना इसको बोलते हैं। तो महान आचार्यों तथा अपने गुरु के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण को प्रसन्न करने को की योजना बनानी चाहिए। कैसे? और कृष्ण की भक्ति कैसे करें? तो महान आचार्यों का अनुगमन करके हमें कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, ना कि अपने मन मर्जी से। शास्त्र पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रिक विधिर विना एकांतिक हरेर भक्तेर उत्पाते वही कल्पते, या फिर उत्पाते वही केवलम। बोले श्रुति स्मृति, श्रुतियों को छोड़ करके, श्रुति शास्त्रों को छोड़ करके, स्मृति शास्त्रों को छोड़ करके, पंचरात्रि की विधि बिना, जो पंचरात्रि की विधियों को छोड़ करके एकांतिक, बिना गुरु के, बिना आचार्य के, एकांतिक हरेर भक्तिर, एकांत में की गई जो हरि भक्ति है कि अपने मन मर्जी से, ये केवल समाज में क्या मचाता है? उत्पात मचाता है। एकांत में अपने मन मर्जी से नया मार्ग नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि कृष्ण के मन में क्या चल रहा है। कृष्ण का मन कौन जान सकता है जो कृष्ण का भक्त है? तो कृष्ण का मन बिना तो कृष्ण को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए
ये गुरु संत साधु हमें हमें बता सकते हैं। अगर अपने मन मर्जी से जो है हम लोग कॉन्कॉक्शन, मेंटल कॉन्कॉक्शन इसको बोलते हैं, अगर ये करके हम लोग भक्ति करना शुरू कर देते हैं तो समाज में केवल उत्पात ही मचाते हैं, समाज में केवल जो है वो नया मार्ग खोल देते हैं, जिस जो मार्ग जो है कहीं पर नहीं जाता है, है ना, केवल अपराधों की ओर जाता है। लोग बोलते हैं ना कि एक बार एक माता जी थी, तो वो माता जी ये गुला मतलब ऐसा कुछ वो बोलने लगी कि, और महाराज सामने थे, कोई एक सन्यासी सामने थे, लेकिन आज आज मेरे लड्डू गोपाल जी को जो है ना, आज हमारे लड्डू गोपाल जी को कैडबरी खाने का मन है, आज हम कैडबरी भूख लगाएंगे। तो वो सन्यासी तुरंत बोले, बोले कि यार तुमको खाने का मन है ये बोलो ना, भगवान के ऊपर काहे ढकेल रही है, पर भगवान के ऊपर क्यों ढकेलती हो, तुमको खाने का मन है ये बोलो ना। तो ये मेंटल बोले कि अपने मन मर्जी से, अरे भगवान ने कहा यार, इधर भगवान बोल रहे पत्रम पुष्पम फलम, तो तुम बोल रहे कैडबरी कैडबरी कैडबरी। हाँ, इसलिए आजकल जो है ना ये बहुत मतलब बहुत फैल गया है, आजकल ये बहुत फैल गया है कि मतलब कृष्ण को सांता क्लॉज बनाएंगे और फिर कृष्ण को जो है वो कैडबरी खिलाएंगे, आज हमारे कृष्ण मैगी खाना चाहते हैं, और कहीं पर जो है मतलब बीच पर घुमाने के लिए लेके जाएंगे ये वो सब। तो ये क्या है ना, ये शास्त्र में वर्णित भक्ति नहीं है, और इससे केवल समाज में नए मार्ग खुल जाते हैं, जो मार्ग कहीं पर नहीं केवल अपराधों की ओर जाते हैं। अरे तुमने भगवान का मन पढ़ लिया है क्या? जब तुमने भगवान का नहीं मन नहीं जानते हो तुम, तो तुम कैसे अंदाजा लगा सकते हो कि ऐसे भक्ति करनी चाहिए वैसे भक्ति करनी चाहिए? पहले शास्त्र पढ़ो, शास्त्रों के अनुसार, आचार्यों के अनुसार, गुरु के अनुसार पहले भक्ति करो, और फिर धीरे 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 तुमको भी भगवान का जो है वो स्वभाव समझ में आने लगेगा, और फिर तुम जो है मतलब आराम से भक्ति करना शुरू कर सकते हो बिना वैसा के। लेकिन उस स्तर पर नहीं पहुंचने मतलब पहुंचा नहीं है, और जो है मतलब खुद को उस तरफ का भक्त समझ लेना, बोले नहीं शबरी ने भी मतलब झूठे बेर खिलाए थे, तो तुम क्या शबरी है क्या? तो वैसा ये जो है वो केवल मेंटल कॉन्कॉक्शन बोलते हैं इसको प्रभुपाद। तो इस प्रकार कि आचार्यों के पदचिन्हों के ऊपर चल करके हमें भक्ति करनी चाहिए। शरीर मन तथा वाणी के अपने अपने कर्म होते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपनी वाणी का उपयोग भगवान की महिमा को प्रसारित करने में करता है, यह कीर्तन कहलाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने मन से सदैव भगवान के कार्यकलापों का यथा कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में प्रवचन करने का, या अपने भक्तों के साथ वृंदावन में विविध लीलाओं में प्रवृत्त होने का चिंतन करता है, ऐसा भक्त चिंतन करता है। इस प्रकार मनुष्य भगवान के कार्यकलापों तथा लीलाओं का निरंतर चिंतन कर सकता है। यह कृष्ण भावनामृत मानसिक अनुशीलन है कि जैसे आचार्य लोगों ने किया है वैसे आजकल नए नए सांप्रदाय निकले हुए हैं जो अनाधिकृत सांप्रदाय है, और ये सांप्रदाय कुछ कुछ बोलते हैं, बोले कि नहीं एकादशी नहीं करनी चाहिए, और पान भी खा सकते हैं और फिर चाय भी पी सकते हैं, अपने आप को वैष्णव संप्रदाय बोलते हैं। अरे अरे ये थोड़ी ना मतलब ना आचार्यों ने बताया है, ना गुरु ने बताया है, ना शास्त्रों में इसका उल्लेख दिया है। बोले नहीं राधा रानी अगर मतलब राधा और कृष्ण अगर मतलब पान खा सकते तो उनका उच्चिष्ट हम क्यों नहीं खा सकते, और फिर राधा रानी थोड़ी ना एकादशी करती है हमको भी नहीं करती, तो कृष्ण ने रासलीला की तो आप भी कीजिएगा, तो आपका रासलीला क्या रासलीला कहलाएगा कि व्यभिचार कहलाएगा? तो इन सारे जो मतलब ऐसे सांप्रदायों से वगैरह खास करके मतलब ऐसे सांप्रदायों से बचना चाहिए। ये बहुत प्रभावशाली ये लोग बोलते हैं, लेकिन करने में जो है ये लोग फेल हो जाते हैं। अगर प्रभावशाली बोलने के ऊपर अगर किसी को हाँ सहजीय कहलाते हैं ऐसे लोग,
तो ऐसे प्रभावशाली बोलने के ऊपर केवल अगर जाना था तो फिर उनसे अच्छा जो पॉलिटिशियंस लोग बोल लेते हैं उनको हम लोग फॉलो कर लेंगे ना। हम लोग को एक वैष्णव को फॉलो करना है जो जो प्रॉपर सही राह पर जा रहा है और सही राह दिखा रहा है, जो मतलब प्रभावशाली बोलता है लेकिन अपना जो आचरण है वो मनमाना आचरण है, तो फिर मतलब उससे अच्छा पॉलिटिशियन ठीक है, फिर उनको हम लोग फॉलो कर लेंगे क्योंकि वो अच्छा बोल लेते हैं आपसे। पॉलिटिशियंस लोग हैं जो भाषणकार हैं। तो इसी प्रकार हम अपने शारीरिक कार्यों द्वारा अनेक सेवाएं अर्पित कर सकते हैं, लेकिन इन सारे कार्यों को कृष्ण से संबंधित होना चाहिए। ऐसा संबंध प्रामाणिक गुरु के साथ अपने को जोड़कर स्थापित किया जा सकता है। स्वतंत्र रूप से ऐसा संबंध स्थापित किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज ही सुबह मैं उदाहरण दे रहा था। देख क्या है ना, गुरु को फॉलो करना बहुत आवश्यक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अः किसी एक किसी की अगर बर्थडे पार्टी चल रही है और बर्थडे पार्टी पर हमको मतलब इनवाइट नहीं किया गया था, या फिर मतलब लेकिन मेरा जो दोस्त है वो मेरा दोस्त मुझे उस बर्थडे पार्टी में लेके चला गया। अब बर्थडे पार्टी वाले लोग मुझे नहीं जानते, मैं उनको नहीं जानता हूँ। वो लोग किसे जानते हैं? वो केवल मेरे दोस्त को जानते हैं और मैं केवल मेरे दोस्त को जानता हूँ। अब बर्थडे पार्टी में अगर मतलब बहुत बहुत उच्च खानदान की अगर मतलब ऐसा बर्थडे पार्टी वगैरह है, उनके उसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उन प्रोटोकॉल्स को मैं नहीं जानता हूं कि कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कहाँ पर जाना चाहिए, कहाँ पर नहीं जाना चाहिए, किस चीज को हाथ लगाना चाहिए, किस चीज को हाथ नहीं लगाना चाहिए, कौन सी चीज कैसे उठानी चाहिए, किस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, ये कुछ भी मैं नहीं जानता हूं। तो मुझे किसके अनुसार, मैं मुझे अपने मन मर्जी से यहां वहां घूमना चाहिए क्या? नहीं, कदापि नहीं। मुझे मेरे दोस्त ने जो मुझे लेके वहां पर गया है उस पार्टी में, उसके अनुसार मुझे हर एक कदम रखना चाहिए, क्योंकि प्रोटोकॉल्स अगर टूट जाएंगे तो एक तो बदनामी हो जाएगी, है ना, एक तो बदनामी हो जाएगी, पार्टी से बाहर भी निकाल दिए जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं अकेला पार्टी में जा सकता हूं क्या? नहीं जा सकता हूं। पहले तो पूछेंगे, भाई तू बाहर निकल, बोले कहां से आए तू, है ना। तो कोई जो है मतलब बीच में बिचौलिया एक चाहिए जो मुझे वो उस पार्टी से उधर के लोगों से मिलाए, है ना, इंट्रोड्यूस करें। और अगर उस पार्टी में मैं मेरे दोस्त के साथ जाता हूं, अगर कुछ गलती होती है मुझसे, तो दोस्त मेरा इंट्रोड्यूस कर सकता है ना मुझे कि नहीं, ये अपना आदमी है, ये नया आदमी है, थोड़ा सा मतलब इसको पता नहीं है रे, जाने दे, है ना। तो ऊपर वाले जो मतलब वो वाले जो लोग हैं वो भी मुझे मतलब संभाल के ले सकते हैं, अच्छा ठीक है नया आदमी है करके, लेकिन इसको थोड़ा सा मतलब प्रोटोकॉल्स वगैरह समझा देना है कि कैसे कहाँ पर कैसे रहना है वगैरह, ये साइड में आकर के दोस्त को बोल दे। तो दोस्त मुझे समझा था कि देख भाई, लेकिन इसको जो है मतलब ऐसे एकदम अच्छे से चलना है, ठीक है, और यहाँ वहां मतलब कुछ गाली गलौज वगैरह नहीं करना है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा मतलब एकदम थोड़ा सा वो लेवल के जो लोग है, ठीक है ना। है ना, कभी कभी हम लोग जो है वो दोस्त लोगों के साथ जाया करते थे, और कोई जो दोस्त है वो कोई दोस्त मतलब फचक करके ऐसा कुछ बोल देता था तो हम लोग बोलते थे उसको, चलो इसी की वजह से तेरे को नहीं लेके आते हम लोग, कहीं पर लेके नहीं जाते, है ना। तो पहले तो ऐसा करता है इसलिए तेरे को कहीं पर नहीं लेके जाते हम लोग, है ना, नहीं तो मतलब वैसे हम लोग की बहुत बड़ी बड़ी पहचान है, लेकिन तू ऐसा बोल देता है, तू ऐसा कर देता है, हाँ ठीक से जो चम्मच से नहीं खाता है तो मतलब इससे नहीं खाता है, इसलिए जरूर कहीं पर नहीं ले, ले ले जाने का मन करता है। तो वो जो दोस्त है वो हमको बता सकता है कि ऐसे करना है, वैसे करना है, वैसे करना है। और अगर कुछ गलती हो भी गई तो उधर के पार्टी वाले जो लोग हैं उस दोस्त को मतलब दोस्त को देखेंगे, फिर बताएंगे कि अरे तुमने इसको बताया नहीं था क्या, तो मेरी गलती वो दोस्त मेरा मेरी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मेरा दोस्त उठा सकता है ना। अगर अकेले जाएंगे तो मेरी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे खुद खुद उठानी पड़ेगी, राइट। तो उसी प्रकार क्या है ना, कृष्ण गोलोक वृंदावन में पार्टी कर रहे हैं, महाप्रभु गोलोक वृंदावन में पार्टी कर रहे हैं, और हम जो है ना
हम जबरदस्ती अगर घुसना चाहेंगे ना तो पार्टी से बाहर भी निकाल दिए जाएंगे, और मतलब फिर से जो, क्योंकि प्रोटोकॉल्स पता नहीं है हमको क्या है क्या नहीं है, पार्टी से बाहर भी निकाल दिए जाएंगे, बदनामी भी हो जाएगी और मतलब अपराध भी लग जाएगा, फिर से आने का भी मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उस पार्टी में इंट्रोड्यूस करने वाला हमारा अगर कोई दोस्त है जिसे गुरु बोलते हैं, वो अगर गुरु हमें लेके जाते हैं और वो हमें प्रोटोकॉल समझाते हैं कि अरे बाबू देखो जिस जिस पार्टी में तुम गए हो उस पार्टी के इस व्यक्ति का ये मूड है, उस व्यक्ति का वो मूड है, ये व्यक्ति ऐसा है वो व्यक्ति वैसा है, और यहाँ पर ऐसे चलना चाहिए, यहाँ पर ऐसे बोलना चाहिए, यहाँ पर ऐसे ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो हमेशा मुझे उस दोस्त के प्रोटेक्शन में रहना होगा ताकि मुझसे कोई गलती ना हो, है ना, और लोग मुझे पहचाने उस पार्टी में। जब मैं मेरे दोस्त को छोड़ दूंगा तो फिर गलतियां भी हो जाएगी और फिर मतलब लोग पहचानना भी बंद कर देंगे। उसी प्रकार जब गुरु, जब हम लोग नए नए आते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में, तो गुरु हमको बताते हैं कि ए, जब हम लोग मंदिर में एंटर करते हैं ना तो हमें दंडवत प्रणाम करना चाहिए, प्रवचन वर्ग में जो है हमको साइलेंटली जाकर के बैठना चाहिए, अच्छा जब हम लोग भगवान की पूजा करते हैं तब ऐसे करना चाहिए, भगवान को ये पसंद है भगवान को ये पसंद नहीं है, राधा रानी को ये पसंद है राधा रानी को ये पसंद नहीं है। अगर हम लोग गुरु को मतलब अगर छोड़ करके मनमाने मर्जी से अगर हम लोग आचरण करते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर अपराध होकर के हम लोग मतलब हम लोगों को भगवान जो भक्ति से बाहर कर देंगे, बोले बोले जाओ किसी से सीख के आओ अच्छे से है ना। तो गुरु के साथ अपने को संबंध, गुरु के साथ अपने को जोड़कर स्थापित किया जा सकता है भगवान से संबंध, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा में कृष्ण का सीधा प्रतिनिधि होता है। अतएव शरीर के द्वारा संपन्न होने वाले कृष्ण भावना भावित कार्यों को गुरु के निर्देशन में श्रद्धा पूर्वक संपन्न किया जाना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक, अगर उस दोस्त के वचनों से श्रद्धा ही उठ जाए, दादाजी दोस्त कुछ भी बोलने लगता है, तब तो फिर गड़बड़ निश्चित है। उस दोस्त के ऊपर निष्ठा है इसलिए हम लोग उस पार्टी में हैं, दोस्त के ऊपर जब निष्ठा उड़ जाएगी तो वैसे ही गलती की संभावनाएं बढ़ जाएंगी और कुछ ही क्षणों में हम लोग गलतियां कर लेंगे, बाहर निकल जाएंगे। और उस दोस्त के प्रति निष्ठा मेरी नहीं देख करके वो जो पार्टी का जो मुख्य व्यक्ति है वो भी, क्योंकि मैं उसका अपना नहीं हूं, वो दोस्त पहले उसका अपना है, वो जो पार्टी का मेन व्यक्ति बोलेगा दोस्त को, यार ये तो तेरा भी मतलब इज्जत नहीं कर रहा है, मेरा क्या करेगा, बोले इसको बाहर निकालो, है ना। वो तो दोस्त मतलब संभाल के लेता है, बोले कि यार नहीं नहीं जान दो जान दो, अपना आदमी है करके। तो गुरु की जो है वो भगवान जितनी हमें जितना हमें आदर करना चाहिए। गुरु के साथ इस संबंध को दीक्षा कहते हैं। गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के दिन से ही कृष्ण तथा कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करने वाले व्यक्ति के मध्य संबंध स्थापित हो जाता है। प्रामाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त किए बिना कृष्ण भावनामृत से वास्तविक संबंध कभी पूरा नहीं होता। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई सवाल है इसके ऊपर तो हम लोग ले सकते हैं। हाँ अरविंद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा हरे कृष्णा। प्रश्न है, क्या अतीत में कोई ऐसा भक्त हुआ है जो भगवान का भक्ति प्राप्त किया हो बिना गुरु के? अगर ऐसा भक्त भक्ति करता भी है ना प्रभु जी, तो ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि भगवान स्वयं उनसे आके मिले और बोले कि अब तुमको गुरु आ, आ, से दीक्षा लेनी चाहिए, किसी किसी गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए, तभी इसके आगे तुम बढ़ सकते हो, ऐसे उदाहरण है। ठीक है प्रभु जी। हाँ वो संत नामदेव जी का है ना प्रभु जी? हाँ उनका भी है। फिर हमारे एक गौर गोविंद स्वामी महाराज जो थे,
तो वो बहुत मतलब अच्छे से बहुत उच्च कोटि के महान भक्त थे। तो उनको जो है उनके सपने में भगवान आके बोले थे कि तो जाओ तुमको एक गुरु स्वीकार कर लेना चाहिए, और उन्होंने प्रभुपाद जी से दीक्षा ली थी। हाँ गिर, क्या गिर, ये पूरा नाम नहीं दिख रहा है मुझे, गिर। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरेशा, वो जो मंडल मिश्रा और शंकराचार्य जी के बीच में जो वो हुआ था वार्तालाप, तो उसमें कौन जीते थे लास्ट में? लास्ट में जो मंडन मिश्र की जो पत्नी है वो मतलब क्या है ना, वो ड्रॉ हो गया था मैच। फिर बोले कि तुम जो है अच्छे से तैयारी करके आओ, शंकराचार्य को बोला गया। वो उन्होंने प्रश्न पूछा ना कि श्रृंगार रस के बारे में, श्रृंगार रस मतलब जो नाट्य शास्त्र है, श्रृंगार रस है जो पति पत्नी के बीच में या फिर स्त्री पुरुष के बीच में कैसे संबंध होता है, जो काम सूत्र के बारे में सवाल पूछा। तो अब ये बोले कि मैं तो यार ब्रह्मचारी हूं, मुझे तो पता ही नहीं है कुछ, है ना। बोले कि नहीं, ये भी तो एक शास्त्र है ना, ये भी तो एक मतलब ज्ञान है, ये भी सरस्वती माता से आता है, आप ऐसे कैसे कर सकते हो, इसका मतलब आप हार स्वीकार कर लो। बोले नहीं, मुझे तैयारी करने के लिए कुछ टाइम चाहिए। तो वो जो है वो 6 महीना वो अपने शरीर से बाहर निकल गए और एक राजा के शरीर में प्रवेश कर गए शंकराचार्य। और राजा के शरीर में प्रवेश करने पर जो राजा की जो दासियां और जो पत्नियां हैं, तो उन मतलब वो श्रृंगार रस में बहुत पटु थी, तो उनसे उन्होंने श्रृंगार रस सीखा कि कैसे होती है, आलिंगन के कितने प्रकार होते हैं, चुंबन के कितने प्रकार होते हैं, ऐसे कैसे होता है, वो ऐसे कैसे होता है। तो पूरा सीखने के बाद शंकराचार्य फिर उस राजा के शरीर से बाहर निकले अपने शरीर में, तो उनका शरीर भी पोल्यूटेड नहीं हुआ और वो सीख भी गए। तो फिर शास्त्रार्थ करने के लिए आए, फिर शास्त्रार्थ में विजेता हो गए ऐसे। अंत में वो विजेता हो गए। हाँ हो गया हो गया। अच्छा एक चीज और पूछना था, ये जो शंकराचार्य जी का जो गुरु परंपरा चल रहा है अभी वर्तमान शंकराचार्य, तो जैसे चार संप्रदाय के बारे में यहाँ पर जानकारी मिला, तो शंकराचार्य का जो चल रहा है गुरु परंपरा वो कौन सा चार में कौन सा में आएगा कि नहीं, वो किस में चार नहीं में नहीं आएगा? आता है, वो मतलब किसी में नहीं वो आता है। अच्छा वो हाँ है जो वो हमारे निवृत्ति में संप्रदाय आएगा में, ना, वो निवृत्ति में वो है। अनाधिकृत संप्रदाय बोला गया है, वो अच्छा अच्छा अधिकृत मतलब संप्रदाय नहीं। ये चार जो है भक्ति से संबंधित है और वो जो है कर्मकांड या मायावाद उस टाइप का है ना, ऐसा हाँ बोल सकते हैं? वो जो है मतलब कुछ अलग ही फैला दिया था शंकराचार्य ने। अच्छा। मतलब उसमें मतलब शास्त्रों को आधार होता है, अद्वैतवाद, वो मतलब अद्वैतवाद फैला दिया था ना वो। अच्छा उसमें अद्वैतवाद का प्राथमिकता दिया गया है हाँ जी। तो ठीक है। वर्तमान में अमन प्रभु हरे कृष्ण भाई। हरे कृष्ण। प्रभु जी जैसे आपने बताया कि गुरु गुरु के बिना हम भक्ति में कुछ भी नहीं कर सकते, तो सपोज हम किसी ऐसे नए व्यक्ति को बताते हैं कि अगर आपको भक्ति में आना है या कुछ भी करना होता है तो हमें गुरु की आवश्यकता होती है, वो हमें बताते हैं भक्ति का प्रोसेस क्या है। बट सपोज वो व्यक्ति ऐसा ऐसा बोले कि नहीं गुरु के बिना भी तो हो सकता है, जैसे फला फला व्यक्ति हुए वो भी बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त किए, तो क्या हम नहीं कर सकते? तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोल सकते हैं? अरे बोलना, गुरु के बिना यार तू ABCD भी नहीं सीखा तो भगवान को प्राप्त कर लेगा? नहीं, उनका ये भी रहता है ना कि फला फला व्यक्ति हुए, उन्होंने बिना गुरु के देखो कितने व्यक्ति हुए, तो हम नहीं कर हाँ, तो सकते। उनको बोलना चाहिए, देखो क्या है ना, रविंद्रनाथ टैगोर को बिना स्कूल गए हुए PhD दे दी गई, तो क्या तुमको भी मिल सकती है क्या? क्या हर किसी को मिल सकती है क्या? नहीं, वो एक्सेप्शनल केस हो सकता है। मतलब भगवान अपने बंधनों में नहीं है, भगवान तो किसी के ऊपर भी कृपा कर सकते हैं, लेकिन कितनी ऐसे केसेस है, वो जनरल नहीं ना किया जा सकता है। जनरली सबको फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे करके करते 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 फिर PhD तक पहुंचना होता है। तो उसी प्रकार क्या है कि अगर किसी भगवान के मन में आ ही गया, नहीं जाओ इसके ऊपर कृपा करना है बोले बिना गुरु के, तो क्या वो तो स्वराट है, स्वतंत्र है। हाँ वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन कितनी ऐसे केसेस है, या फिर मतलब
है ना, ऐसा। जी। और कोई सवाल है? ठीक है, और कोई सवाल नहीं है। प्रभु जी, हाँ हरे एम कृष्णा। एम प्रभु जी, हाँ प्रभु जी हाँ मेरा मनीष कल बाबा का भैया। क्लास मिस हो गया था ना, तो कब आएगा वो यूट्यूब पे कल का क्लास? बस 2 दिन में आ जाएगा, मतलब ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ये। हरे कृष्ण, जय श्री माता जी, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपल्याकडे जो दत्त संप्रदाय आहे ना, तर तो हाँ, कुठला संप्रदाय? तो ना माता जी पूछ रही है कि जो महाराष्ट्र में जो जो गुरुदत्त संप्रदाय है, तो वो जो है वो नाथ संप्रदाय है माता जी। वो योगियों के लिए संप्रदाय है, जो अष्टांग योगियों के लिए। वो वैष्णव मतलब संप्रदाय नहीं है। वो योग में वगैरह वो परमात्मावादी, ये है परमात्मावादियों का एक गुट ऐसा है जो परमात्मा में ही विलीन होना चाहते हैं, मतलब निराकार में नहीं, परमात्मा ही में ही विलीन हो जाना चाहते हैं। तो ऐसा कभी होता नहीं है, तो वो संप्रदाय है। यस, थैंक यू। हाँ, और रू आर से कौन है वो माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, मतलब वो नवनाथ है ना, मतलब कि नाथ संप्रदाय बोल रहे थे आप? नवनाथ क्या? हाँ नाथ संप्रदाय। है ना, मतलब कि वो हाँ नवनाथ, नवनाथ। वो भगवान नारायण ने शिव जी को दिया, शिव जी ने आगे पास कर दिया वो संप्रदाय। ओके, हरे कृष्णा। हाँ क्या रेणु माता जी? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने दंडवत प्रणाम। कुलशेखर अलवार की जो पोयम सुनाई है, जो कवि, जो उन्होंने अपने भाव भगवान को प्रकट किए थे, जो आपने भजन गाया, वो कहाँ से, कहाँ पे लिखा हुआ, कहाँ मिलेगा प्रभु जी हमें? माता जी, प्रभुपाद का एक बुक है ना, उसके ऊपर कौन प्रेयर्स ऑफ सा? महाराज कुलशेखर करके। हाँ अच्छा, वो अलग से है क्या बुक? प्रभुपाद जी ने उसके ऊपर उनके उसके ऊपर तात्पर्य दिया है, तो वो आप ले सकती हैं इस्कॉन में जाके। जी अच्छा ठीक है, उसमें ये जी कविता होगी ना जो उन्होंने आपने गाई है अभी, श्लोक? हाँ, माता जी वो श्लोकों का बहुत बहुत सुंदर, वो श्लोकों का ये है, मैं रोज सुनता हूँ, मतलब सुन सुन के मुझे याद है। मैंने तो प्रभु पढ़ा जी, नहीं, मतलब सुन सुन आपने, के है। जी आपने जो गाया ना, उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ पे मिलेगी? जो आपने गाया है वो बहुत सुंदर है, माता जी मैंने तो अभी तक गाया नहीं है, आप गा क्योंकि के रिकॉर्ड वो करिए ना, कर लेंगे माता जी, वो कुछ रिकॉर्डिंग दिनों में कर भेजिए ही आप लेंगे। यूट्यूब पे, या तो आप यस इसमें यस यस गैट में भेजिएगा आपकी रिकॉर्डिंग, तो हमें सुनना, मुझे बहुत सुंदर लगा आपने जो गाया। आपकी आवाज बहुत सुंदर है, जी जी प्रभु आपका जी। बनाइए ऐसा ऑडियो। हाँ माता जी मैं कर लूंगा माता जी, मतलब कुछ दिनों में जो है ना, मैं कर ही लूंगा इसको। मुकुंदमाला स्तोत्र और ब्रह्म संहिता एटलीस्ट दे दूंगा मैं। ठीक है, रूपा क्या, रू से कौन माता जी? वो प्रभु जी है, हाँ, हरे कृष्णा आर्यपाली प्रभु माता जी। जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत मेरे दो प्रणाम। क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, अभी जो भक्ति रसामृत के सेपरेट नोट्स आप भेज देंगे, ऐसा फिर वो बुक में से हमको निकालना पड़ेगा कैसा? माता जी आप लोगों को बुक में से ही निकालना पड़ेगा, लेकिन एक रेडीमेड नोट्स है इस्कॉन के, वो मैं आपको भेज दूंगा। हाँ, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि प्रभु जी, वो अभी रिसेंटली वो स्वामी नारायण का बहुत गुरुकुल का वो चर्चा चल रहा है, वो स्वामी नारायण जो है वो नारायण के अंश ऐसा बोल रहे, वो सही है या गलत है? देखिए, पहले तो अंश या फिर अवतार के जो है ना, अवतार के कुछ ये होते हैं, लक्षण होते हैं, उन लक्षणों से पता करना होता है कि ये अवतार है कि नहीं है। आज को द्रौपदी तो बोलते थे कि भारत ये अवतारों की फैक्ट्री है, रोज नया नया अवतार अवतार पैदा होता है, और रोज जो है मतलब उसके हजारों मूर्ख लोग फॉलोअर्स भी लोग तैयार हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि मतलब हर किसी को हम लोग अवतार बोल सकते हैं। तो अवतारों का लक्षण क्या है कि अवतार मतलब अवतरित होना, मतलब भगवान के धाम से वापस मतलब इधर में नीचे आना कुछ विशेष कार्य करने के लिए। और उन उन अवतारों का जो उल्लेख है वो शास्त्रों में होना चाहिए। तो कौन से शास्त्र में दिया हुआ है ये हमको पता करना चाहिए। और जैसे चैतन्य महाप्रभु को हम लोग अवतार बोलते हैं, तो हमारी सनक से हमको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए नहीं बोलते हैं,
हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो है, क्योंकि उनका शास्त्र में उल्लेख है कई जगह पर, मतलब सैकड़ों जगह पर उल्लेख है उनका कि स्वयं कृष्ण आएंगे, भक्ति का प्रचार करने के लिए आएंगे, संन्यास रूप धारण करेंगे, सची माता के गर्भ से आएंगे, संकीर्तन मूवमेंट का प्रचार करने के लिए आएंगे, बहुत सारी जगह पर शास्त्र में वर्णन है। और इसके बाद तो वर्णन आना चाहिए, पहली बात। दूसरा बात क्या है कि अवतारों का लक्षण ये होता है कि उनके हथेलियों के ऊपर और उनके तलवों के ऊपर जो है वो अलग अलग प्रकार के शुभ 19 चिन्ह होते हैं, है ना, वो होने चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के मतलब हथेली के ऊपर और इसके ऊपर थे, चरणों के ऊपर थे, नित्यानंद प्रभु के चरणों के ऊपर इत्यादि थे, जनेऊ, झंडा, जो मत्स्य है या फिर और कमल है, ऐसे 19 प्रकार के चिन्ह है। तो देखिए, अब अवतार ये करने से पहले जो है मतलब उनसे पूछना चाहिए कि मतलब ये शास्त्रों में कहाँ पर वर्णन आ रहा है। दूसरा दूसरा जो है वो क्या इनके हथेलियों के ऊपर, चरणों के ऊपर जो 19 चिन्ह है। तीसरा कि उनको जो है मतलब विश्व रूप दिखाने के लिए आना चाहिए। उन्होंने कहीं पर विश्व रूप दिखाया था क्या? चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया था, भगवान कृष्ण ने दिखाया था, है ना, तो विश्व रूप दिखाया था क्या? अच्छा, शास्त्र जो जो स्पेशल जो कार्य है वो किस कार्य के लिए आए थे? तो ये सारे मतलब 3-4 प्रश्न है। वो अगर दे सकते हैं तो वो अवतार है, नहीं दे सकते हैं तो नहीं अवतार है, सिंपल। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ये अरविंद, पैसा नहीं होना चाहिए, अवतार है तो उसमें कुछ पैसे का फैक्टर नहीं होना चाहिए, जो आजकल के अवतारों में है, मनी मनी फैक्टर दुनिया का। नहीं, मनी फैक्टर दुनिया का अवतार में नहीं होना चाहिए, तो नहीं नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं है माता जी, क्योंकि मनी भी तो मतलब भगवान से ही आता है। अब कृष्ण जो है स्वयं आए थे, तो क्या उनके पास मनी नहीं थे क्या? दरिद्र नारायण थोड़ी ना है वो, तो मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो अवतार का कार्य मतलब ये वर्णन होना चाहिए कि क्या करने के लिए आ रहे हैं वो। अब भगवान राम के साथ पास तो मतलब एक क्षेत्र राजा थे वो, तो क्या उनके पास पैसा नहीं था क्या? नहीं, वो भी अवतार थे। नहीं, बस गुरुकुल फ्री, आई मीन एजुकेशन का बिजनेस, जो गुरुकुल बोल रहे थे ना माता जी, फ्री एजुकेशन। हाँ, स्वामी नारायण तो गुरुकुल भी ओपन हो गए अभी। हाँ, तो वो गुरुकुल सिस्टम वगैरह देखिए क्या है ना कि माता जी हर एक जो द्रव्य होता है वो अमृत ही हो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब ये जरूरी नहीं है, या फिर हर एक द्रव्य विष ही हो, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। कोई पानी हो सकता है, कोई दूध हो सकता है, कोई खीर हो सकता है, कोई रबड़ी हो सकता है, कोई अमृत हो सकता है, अमृत के आगे कुछ नहीं है। जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, जो मतलब जो वैष्णव संप्रदाय है वो तो मतलब अमृत है, लेकिन दूसरे संप्रदाय ऐसा भी नहीं बोल सकते कि विष है। कोई पानी के लेवल पर है, कोई दूध के लेवल पर है, समझ रहे ना? कम से कम यार गुरुकुल चला रहे वो लोग, जो मतलब भारतीय सिस्टम कुछ तो कुछ ना कुछ तो अच्छा है, लेकिन हाँ इसको परफेक्ट नहीं बोल सकते हम लोग, ठीक है। प्रभु जी, भक्तों की जो 26 क्वालिटीज है ना, वो किस में मिलेगी? भक्तों की 26 क्वालिटीज माता जी आपको चैतन्य चरितामृत में मिलेंगी। अच्छा, चैतन्य चरितामृत में मिलेगी। अरविंद प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन यह है, जब भी अवतार की बात आती है तो मन में एक बात खटकता है कि गौतम बुद्ध को क्यों भगवान का भगवान माना जाता है, क्योंकि उन्होंने वेदों का भी खंडन किया है, और यहाँ पर अभी स्वामी नारायण के बारे में बात किया गया जिनका नाम है नीलकंठ वरड़ी, तो उन्होंने तो वेदों का खंडन नहीं किया है, उन्होंने वेदों के अनुसार ही चला, तो उनको भगवान मतलब कह रहे हैं कि नहीं है, लेकिन गौतम बुद्ध को भगवान क्यों कह रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर कीजिए। प्रभु जी, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मेरे कहने से सब कुछ होता है, अरे मैं थोड़ी ना कर रहा हूँ, वो तो शास्त्र कह रहा है। देखिए ऐसा होता है ना कि
कि प्रभु जी, हम लोग केवल स्वीकार कर सकते हैं भगवान के वचनों को, केवल स्वीकार कर सकते हैं। हम लोग डिसाइड करने वाले कौन होते हैं? जो शास्त्र में दिया है वो हम लोग स्वीकार करते हैं, जो शास्त्र में नहीं दिया है वो हम लोग नहीं स्वीकार करते हैं। तो शास्त्र में दिया है कि गौतम बुद्ध स्वयं आएंगे, नास्तिकवाद का प्रचार करेंगे, वेदों का भी खंडन करेंगे, तो फिर हम लोग स्वीकार करते हैं हाँ गौतम बुद्ध आए थे। तो हाँ, श्रीमद् भागवतम में है, और फिर जो है वो जो जयदेव गोस्वामी जी अपने भी अपने दशावतार स्तोत्र में बोलते हैं कि केशव धृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हर बुद्ध, गौतम बुद्ध को अवतार मानते। तो इसलिए क्या है ना, देखिए यहाँ पर व्यक्ति से, वैदिक सभ्यता में कभी भी व्यक्ति से द्वेष करना नहीं लिखा हुआ है। तो व्यक्ति के सिद्धांत को आप डिसएग्री कर सकते हैं, व्यक्ति से द्वेष नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि व्यक्ति तो भगवान का ही अंश है। तो वैसे ही भगवान गौतम बुद्ध को हम लोग भगवान मानते हैं, लेकिन उन्होंने जो बताया है उसको हम लोग नहीं मानते हैं। और जो जो नीलकंठ वर्णी है या फिर ये है जो वेदों को मानते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो वेदों के विपरीत है, अगर अवतार घोषित किया, मैंने ये तो नहीं बोला कि वो अवतार नहीं है या फिर है, मैंने तो पैरामीटर्स दे दिए कि ये ठक 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 इस पैरामीटर्स में अगर बैठ रहे हैं तो अवतार है, नहीं बैठ रहे हैं तो नहीं अवतार है। हम लोग खुद चेक कर सकते हैं, आप लोग खुद चेक कर सकते हैं कि उनका वर्णन जो है शास्त्र में है कि नहीं है, उनके हथेली के ऊपर वगैरह चिन्ह है कि नहीं है, 32 लक्षण अवतारों की जो शास्त्रों में वर्णित है वो है कि नहीं है। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी जब हाँ भी कभी भी और डिवोटी से बात इस बारे विषय में बात करो तो कहते हैं कि ये जो बुद्ध है ये नहीं, ये कोई और बुद्ध है जो है, उनके बारे में बात हाँ करो। एक्चुअली क्या है ना, एक्चुअली दो दो बुद्ध, गौतम बुद्ध दो हो गए, ठीक है, एक गया में जिनका प्राकट्य हुआ था, और दूसरा जो है वो एक नेपाल में प्राकट्य हुआ था। और अंग्रेजों ने क्या किया ना, दोनों का जो इतिहास है वो मिक्स करके ऐसा कुछ हमको दे दिया, ठीक है। तो जो नेपाल में था वो जो लुम्बनी सिद्धार्थ सिद्धार्थ जो नाम था, लुम्बिनी में आया था, और फिर उसकी जो माता का नाम, माता और पिता का नाम दूसरा एक कुछ था, है ना। और वो जो है वो भी बोध गया में आकर के तपस्या वगैरह किए। और क्या है कि जो बुद्ध जो गया में प्रकट हुए, उनके माता का नाम अंजना था, ठीक है, और वो भी वहीं पर ये किए। और जो गौतम बुद्ध ने जो शून्यवाद का प्रचार किया, नास्तिकवाद का प्रचार किया, वेदों को नहीं माना, तो वो हमारे बुद्ध थे। और फिर इन्होंने क्या है ना, इन्होंने मिक्स कर दिया। तो अभी किसके ऊपर ये करें किसके ऊपर नहीं करें, तो किसकी स्टोरी ओरिजिनल बुद्ध से मिलती है या फिर नहीं मिलती है। हाँ, यशोधारा नेपाल वाले उसके माँ का नाम था यशोधारा, ठीक है। तो इसलिए अभी बहुत ही ज्यादा मिक्स्ड हो गया है, इसलिए परंपरा से बाहर जो है ना वो श्रवण करना सुनना बहुत रिस्की हो सकता है भक्तों के लिए। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। अभी जो कि आप बोल रहे थे ना, कि गौतम बुद्ध गया में आके कि ये जो कर रहे तपस्या वगैरह, एक्चुअली कि गया जो नाम पड़ा है वहां का, वो भी तो कि गया गया असुर के ऊपर ही पड़ा हुआ है ना, कि जो असुर था, कि उसने तपस्या वगैरह यज्ञ वगैरह किया था, उसकी वजह से कि वो गया नाम पड़ा हुआ है। तो ऐसा कि कोई कि एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है, कि कोई भी कि कर सकता है और एक्चुअल कि उस लेवल पे जा सकता है, किस लेवल पर गया सुर के? हाँ नहीं, कि कॉन्शियस लेवल जो से जो भगवान की कि तपस्या वगैरह करके कि यज्ञ वगैरह करके कि कोई भी जा सकता है ना, ऐसा ही किस कोई ना, लेवल पर जाना है? जो बोल रहे हैं ना, कि नीलकंठ वर्णी वगैरह, कि भगवान के
अवतारे वगैरह मतलब अंश वगैरह हाँ ये जो है ना, तो ये मायावाद है, इसको मायावाद बोलते हैं, कि कोई भी व्यक्ति जो है वो तपस्या करके भगवान के लेवल पर जा सकता है या फिर भगवान बन सकता है, तो ऐसा ऐसा नहीं हो सकता है प्रभु जी, क्योंकि भगवान भगवान है, जीव जीव है, कितना भी कोई प्रयास करे ब्रह्मा जी तक जा सकता है, शिव जी के 11 11 रुद्रों में से एक रुद्र बन सकता है, अगर जो व्यक्ति बोलते हैं कि 100 बार ब्रह्मा या फिर मतलब ऐसा कुछ बनता है, तो उसको जो रुद्र का पोस्ट दिया जाता है, लेकिन वो शिव कभी नहीं बन सकता है और भगवान विष्णु कभी नहीं बन सकता है, तो ये जो है मतलब ये केवल क्या बोलते हैं नहीं, नहीं नहीं इसको, वो नहीं बोल रहा, मतलब एक्चुअल जो भगवान है वो नहीं बन सकता, बट उस कॉन्शियस लेवल पे जा सकता है, ऐसा बोल रहा हूँ मैं, मतलब कि जो ज्ञान लेके, मतलब कि जो प्रोसेस बताया हुआ है। नहीं फिर भी उसको जो अवतार नहीं बोला जा सकता है। नहीं, अभी हम जो आत्मा है, मतलब कि परमात्मा की अंश है ना, मतलब कि अभी हम ऐसे मानते हैं, जी मतलब नहीं कि ये तो ठीक है, मतलब मानते नहीं है, वो है ही, वो है हाँ ही, ठीक है। अंश तो है ही। तो फिर मतलब वो भी मतलब कि एक ही, मतलब उसी टहे भी इसमें आएंगे ना, मतलब कि अंश में भी आएंगे, मतलब अवतार, मतलब कि तो अभी जैसे हम लोग सब बस लोग अंश हैं, तो क्या है अंश ना, होने का हाँ कॉन्शियस, मतलब ज्ञान में हम थोड़ा बहुत, मतलब कम ज्यादा ऐसा डिफरेंस है ना सिर्फ। प्रभु कितना भी कुछ ज्ञान में कितना भी श्रेष्ठ हो, वो अंश ही कहलाएगा और भगवान भगवान ही कहलाएंगे, और हाँ वही अंश जो तो। है वो कभी अवतार अवतार नहीं कहला सकता है। हाँ एक जो है वो एक शक्त्यावेश अवतार होता है, 6 प्रकार के अवतार है भगवान के, उसमें से एक शक्त्यावेश अवतार होता है। शक्त्यावेश अवतार में क्या होता है कि भगवान एक जीव को एक जीव को वो भी भगवत धाम से सिलेक्ट करके यहां पर भेजते हैं कोई विशेष कार्य करने के लिए, उसको बोलते हैं कि भगवान ने अपनी पूरी शक्ति उस जीव को दे दी, और उसको शक्त्यावेश अवतार बोला जाता है, और उसका वर्णन भी शास्त्रों में आता है। बिना शास्त्र में वर्णन हुए कोई भी अवतार नहीं कहा जा सकता। और एक मतलब कि तो जो मतलब कि इसमें मतलब कि अभी जो जिस शास्त्र वगैरह में, मतलब कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं, मतलब कि उसमें मतलब कि अभी गणपति जैसे, मतलब कि महागणाधिपति जी हो, मतलब कि उनका भी मतलब वर्णन, मतलब ज्यादातर मतलब नहीं आता है ना, मतलब कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं तो इसमें मतलब। नहीं कैसे नहीं आता है, गणेश जी का तो वर्णन है ही शास्त्रों में, गणपति उपनिषद है, और फिर श्रीमद् भागवत में वर्णन है, इतने सारे पुराणों में वर्णन है, शिव पुराण में वर्णन है। नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, मतलब कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, मतलब कि इसमें बोल रहा था मैं, गैट गैट कोर्स भक्ति में। हाँ रसामृत सिंधु में हाँ गैट कोर्स में हाँ नहीं, गैट जो कोर्स में जो पुराण है पुराण है मतलब ना उनका, मतलब कि पूरा एक पुराण है ना, मतलब कि जो मुद्गल पुराण एक और है, और एक गणेश पुराण भी है ना, मतलब कि वो। हाँ वो जो भी पुराण वगैरह है, तो हम लोग तो मतलब अब वैष्णव शास्त्र पढ़ रहे हैं ना प्रभु जी, वैष्णव शास्त्र पढ़ रहे हैं, जब बोलते हैं कि कई जन्म जो है मतलब सबसे पहले तो एक एक जानवर जैसे इंसान को कई जन्मों तक उसके ग्राम देवताओं की पूजा करनी होती है, ग्राम देवताओं की पूजा कई जन्म करने के बाद ग्राम देवता की उपासना करने के बाद जो है वो ग्राम देवता उसको कुल देवता के पास भेजती है, कुल देवता के पास कई जन्म उपासना करने के बाद जब परफेक्ट हो जाता है वो, तब कुल देवता जो है वो उसको सूर्य भगवान के पास भेजती है, जब सूर्य भगवान की कई जन्म उपासना करने के बाद जो है वो उसको शायद 12 जन्म वो मेरे को आंकड़ा पता नहीं है, तो फिर उसको जो है गणेश जी के पास गणेश जी का मंत्र देते हैं सूर्य भगवान, फिर गणेश जी का कई जन्म उपासना करने के बाद फिर दुर्गा का मंत्र दे दिया जाता है, फिर दुर्गा का जो है कई जन्म उपासना करने के बाद 3 जन्म उसको शिवजी का उपासना करना पड़ता है, शिवजी परम श्रेष्ठ है ये सोच करके, और फिर जो है मतलब अंत में लास्ट में जो है मतलब शिवजी 3 जन्म शिवजी का भक्ति करने के बाद शिव उसको जो विष्णु तत्वों का मंत्र देते हैं, या तो भगवान राम का या फिर कृष्ण का या फिर जो है भगवान विष्णु का, ठीक है, और तब वो जाकर के वैष्णव बनता है। तो हम लोग जो है मतलब उपासना के श्रृंखला में लास्ट के स्टेज पर है प्रभु जी, इसके आगे नहीं, तो ये हम लोग वैष्णव शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो फिर
हम लोग जो है वो दुर्गा देवी भागवत क्यों पढ़ेंगे फिर, या फिर हम लोग जो है वो ग्राम देवता वाला शास्त्र क्यों पढ़ेंगे ऐसा। ओके जस्ट मतलब कि मैंने मतलब पढ़ा था मतलब। हाँ, स्मिता माता जी कुछ बोल रही थी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण बाबू जी धन्यवाद प्रणाम। ऐसा भी तो होता है ना कि जैसे सारे लेक्चर्स में हम लोग सुन रहे हैं कि कुलधर्म कुलाचार जो चल रहे हैं तो चलने दो, क्योंकि हो सकता है वो हमारे वैष्णव भक्त बनने तक के पहुंच तो ठीक बाई है फेथ। माता जी, क्या माता जी क्या करेंगे ना, थोड़ा सा सवाल जवाब थोड़ा सा लंबा जा रहा है हम लोग का, तो जी जी समय भी जी हो जी चुका जी है, हम लोग यहाँ पर जी रुक जाएंगे, हम लोग कल कल फिर से मिलेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा पांचभ्य कृपास्तुभ्यम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। श्रीपाद रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण।